हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन के में आपको स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 7 टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। लास्ट टाइम लोगों ने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस और इस यूनिट की सभी टॉपिक्स को कम्प्लीट किया था। आज का टॉपिक हमारा MCQ ऑफ दिस यूनिट। आज हम लोग MCQ यूनिट्स ऑफ दिस यूनिट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करके इस यूनिट को फिनिश कर लेंगे। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस यूनिट से रिलेटेड तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस में, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी टाइप लाइक अ पियर शेप, दैट मीन निम्नलिखित में कौन सा शरीर नाशपाती के आकार की तरह है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट इसमें है आपका एंडोमार्फ, नेक्स्ट है आपका मेसोमार्फ, थर्ड है आपका एक्टोमार्फ, लास्ट है आपका नन ऑफ द एबव। मैंने आपको बताया था नाशपाती की तरह कौन सी बॉडी होती है। सोमेटो टाइप्स में आपको पढ़ाया था कि एंडोमार्फ जो होती है, एंडोमार्फ टाइप की बॉडी जो होती है वो आपकी नाशपाती की तरह होती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा ए, एंडोमार्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी टाइप लाइक आ राउंड शेप, दैट मीन निम्नलिखित में कौन सा शरीर है जो गोल आकार की तरह होता है। ये भी मैंने आपको बताया था फर्स्ट टॉपिक इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका एंडोमार्फ, नेक्स्ट है आपका मेसोमार्फ, नेक्स्ट है आपका एक्टोमार्फ और लास्ट है आपका नन ऑफ एबव। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मेसोमार्फ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी टाइप लाइक अ स्लिम शेप, निम्नलिखित में कौन सा शरीर एक पतली आकृति की तरह होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका है एंडोमार्फ, बी है मेसोमार्फ, सी है एक्टोमार्फ, लास्ट है आपका नन ऑफ दीज एबव। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है थर्ड में निम्नलिखित में कौन सा शरीर पतली आकृति का होता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा एक्टोमार्फ। थर्ड टाइप का जो आपका होता है ये आपका पतले होता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, एक्टोमार्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी टाइप्स पर्सन गुड फॉर वेट लिफ्टिंग एक्टिविटी, दैट मीन वेट लिफ्टिंग गतिविधि के लिए निम्न में से कौन सा बॉडी टाइप अच्छा है। फर्स्ट पॉइंट इसमें आपका है एंडोमार्फ, बी है मेसोमार्फ, थर्ड एक्टोमार्फ और लास्ट आपका नन ऑफ द एबव। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा एंडोमार्फ। एंडोमार्फ जो है आपका वेट लिफ्टिंग के लिए अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पीपल गुड फॉर एडवेंचर एक्टिविटी, दैट मीन निम्नलिखित में किस प्रकार के लोग साहसिक गतिविधि के लिए अच्छे हैं। फर्स्ट है आपका एक्टोमार्फ, बी है आपका मेसोमार्फ, सी है आपका एंडोमार्फ, लास्ट है आपका नन ऑफ द एबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, मेसोमार्फ, दैट मीन बी। जो मेसोमार्फ टाइप लोग हैं वो आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए अच्छे हैं, एडवेंचर एक्टिविटी के लिए अच्छे हैं। नेक्स्ट हमारा सिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी टाइप ऑफ पीपल गुड फॉर जिमनास्टिक एक्टिविटीज़, मैंने आपको बताया था जिमनास्टिक के लिए लास्ट टाइप एक्टोमार्फ होता है वो करेक्ट होता है। तो इसमें आपका एक्टोमार्फ है सी, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा सी। एक्टोमार्फ के जो व्यक्ति होते हैं वो जिमनास्टिक के लिए बेस्ट होते हैं, जिमनास्टिक और एरोबिक एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMI, BMI की फुल फॉर्म क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका है बॉडी मैनेजमेंट इंडेक्स, बी है आपका बॉडी मोल्ड इंडेक्स, सी है आपका बॉडी मास इंडेक्स और डी आपका नन। मैंने आपको बताया था कि BMI की फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स और इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि BMI इज इक्वल टू वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाइट जो हमारी मीटर में होगी और हाइट स्क्वायर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला कैलकुलेशन ऑफ BMI, ये देखिए आपका वही क्वेश्चन सेम आ गया है। क्या है इसमें आपका, इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, वेट ऑफ बॉडी, ठीक है, जो आपका kg में होगा अपॉन हाइट ऑफ बॉडी, ठीक है, इंटू स्क्वायर, हाइट ऑफ बॉडी स्क्वायर। ठीक है, हाइट आप ऑलवेज किसमें लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, डी, वेट इन बॉडी अपॉन हाइट ऑफ बॉडी स्क्वायर। ठीक है, या आप h × h, हाइट इंटू हाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नाइन्थ है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, वॉट इज द रेंज ऑफ हेल्दी बॉडी मास इंडेक्स, दैट मीन स्वस्थ बॉडी मास इंडेक्स की सीमा क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स की टेबल, इसमें बॉडी मास इंडेक्स की टेबल मैंने आपको बनवाई थी कैटेगरी वाइज। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट है 22-25, बी है आपका 25-30, सी है आपका 80.5-24.9 और डी आपका है 30.0-34.9। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 18.5-24.9, जो आपका हेल्दी बॉडी रेंज है, स्वस्थ बॉडी रेंज है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो कौन सी है। आपका ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा, 18.5-24.9। आई होप आप लोगों को
अच्छे समझ में आ गया होगा। आपकी यूनिट ये 7th जो थी, टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, ये कंप्लीट हो गई है। आप लोग सारा वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। और किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप वर्क को कंप्लीट मत करिएगा। कहीं भी डाउट हो तो मुझे क्लियर कर लीजिएगा, फिर आप वर्क को कंप्लीट करिएगा। ठीक है, थैंक यू।